put by Election Commission of India. So keeping that into consideration, we'll first release our manifesto and then talk about it. Otherwise we had to first talk about it and then release it. So according to the time constraint, we had to do it by 6 o'clock. So here we release our Aat Badlega Halat manifesto for Jammu and Kashmir. Don't worry. Thank you. Put by Election Commission of India. So keeping that into consideration, we'll first release our manifesto and then talk about it. Otherwise we had to first talk about it and then release it. So according to the time constraint, we had to do it by 6 o'clock. So here we release our Aat Badlega Halat manifesto for Jammu and Kashmir. राहुल गांधी जी जब यहां भारत जोड़ो यात्रा के अंत में यहां आए थे, आप सब उनसे मिले, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया, उस दौरान महिलाओं ने बहुत अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं राहुल गांधी जी के सामने भी रखी, हमारे तमाम नेताओं के सामने रखी। जो महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, आर्थिक सशक्तिकरण है, उनको मजबूती आर्थिक कैसे मिले, उसके बारे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब बहुत चिंतित रहे। 3,000 रुपये महीने का उनको असिस्टेंस मिलेगा, जो महिला हेड ऑफ द फैमिली है उसको 3,000 रुपये महीने का देने का हमने वचन दिया, और 5,00,000 रुपए के लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगे, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5,00,000 रुपए के लोन दिए जाएंगे। अच्छी सेहत हमारा हक, कोविड हम सब ने भुगता, आप सब बहुत बुरे दौर से गुजरे, और कोविड के वक्त ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में सेहत की सुविधाएं कैसी हैं, क्या हाल है, उसको ध्यान में रखते हुए, दिल्ली तो भूलना चाहती है कि कोविड हुआ भी था, लेकिन कोई भूल नहीं सकता, हम सब ने अपने लोग गंवाए हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, हम सब ने कोई ना कोई गंवाया है। तो कोविड के बाद सीखा, अच्छी सेहत हमारा हक, 30 मिनट के अंदर अंदर लोगों को, जिसको भी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए उसको मिलनी चाहिए, 30 मिनट के अंदर मिलनी चाहिए, और 25,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवरेज, ये हमारे राजस्थान में कांग्रेस ने किया था, बड़ी अच्छी योजना चली, लाखों लाखों लोगों को इसका फायदा मिला। अब ये फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने ठाना है, इसलिए इसका नारा दिया है, अच्छी सेहत हमारा हक है, किसान सम्मान हमारा हक है। 4,000 जो बिना जमीन के किसान हैं, क्या हुआ भाई, आप सब शांत रहिए, पत्रकारों की वार्ता है, वर्कर्स की वार्ता नहीं है, ये लोगों को सुनने दीजिए। 4,000 की जो इनकम है उनको सपोर्ट उनको दें, जो बिना जमीन के लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, जो टेनेंट फार्मिंग करते हैं, जो किसी और की जमीन पर अपना मेहनत करते हैं, उनको 4,000 रुपये महीने का मिलेगा, और 72 किलो मिनिमम प्राइस, 72 रुपये पर किलो मिनिमम प्राइस सेब उगाने वाले किसानों को मिलेगा, ये हमने ठाना है, और 100% 100% क्रॉप इंश्योरेंस, जो बीमा होता है फसल का, वो 100% देने का भी हमने आपको संकल्प दिया है, गारंटी दी है,
ये सारे क्रॉप्स के ऊपर लागू होता है, हर फसल पर लागू होता है, कोई एक अनाज या एक तिलहन पे नहीं, सारी फसलों पर लागू होता है। इसके अलावा जब आप इसको पढ़ेंगे हमारे मैनिफेस्टो को, तो इसमें टूरिज्म और जो ओबीसीज हैं उन पर एक विशेष फोकस किया गया है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फ्रेमवर्क में ओबीसीज के हितों की रक्षा की जाएगी। ये इसमें आपको इसका बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र होगा, वो भी आप पढ़ेंगे। माइनॉरिटी कमीशन पहले 100 दिन में बनाई जाएगी, सरकार बनने के 100 दिन में माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाएगी। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसको फिर से चालू करके लागू करवाया जाएगा। ये मैंने आपको एक जिस्ट बताई है कर्रा साहब, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी। आने वाले दिनों में आप और हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे, हमारे और साथी भी इस पर और खुलासा देकर बात करेंगे, लेकिन आप जब आज पढ़ेंगे ये तो आपको समझ में आएगा कि कितना सीरियसनेस हम सबके दिमाग में, जहन में है कि कश्मीर को फिर से, ये तमाम जो कश्मीर का नौजवान हो, महिलाएं हो, बुज़ुर्ग हो, कश्मीरी पंडित हो, माइनॉरिटीज़ हो, किसान हो, एप्पल ग्रोअर्स हो, मिडिल क्लास हो, व्यापारी वर्ग हो, ओबीसी हो, सबको उनका हक मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। लंबी काली रात खत्म होने को है, फिर से मैं कह रहा हूँ नई सुबह आ रही है। आप सब लगातार हमारे से मिलते रहे, हमारे कई साथी लगातार आ रहे हैं आपसे बात करने, आप शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस वालों की अपनी बहुत शिकायतें हैं, हमें मालूम है, हमने लगातार वो शिकायतें सुनी हैं, उनकी शिकायतें दूर की जाएंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी। सरकार बनते ही प्रेस की भी शिकायतें दूर करने का एक मैकेनिज़्म हम ला रहे हैं, ये हम आपको वादा करते हैं। आपके सवाल। मैनिफेस्टो, आई वुड रिक्वेस्ट पवन खेरा जी टू एक्सप्लेन अबाउट दिस मैनिफेस्टो टू यू। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत, पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सके, अंदर जाके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती, नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते, कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। ये सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की, सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज। ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं, इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सब की
जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएं। कह रहे हैं आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू कश्मीर, जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? अगर देनी होती तो छीनी क्यों थी? ये सवाल हर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के सबके दिमाग और दिल में ये सवाल है। तो हमारी रियासत हमारा हक, ये हमारा सबसे पहला वादा। हम जम्मू कश्मीर की रियासत को उसकी स्टेटहुड दिलवा के रहेंगे। हमारी नौकरी हमारा हक। जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो लड़का हो लड़की हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर दो पे है बेरोजगारी के आंकड़ों में। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन नंबर टू व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर महिलाओं की बेरोजगारी की बात करें तो नंबर वन। ये बदलना होगा और इसको बदलने के लिए हम लोग मैदान में। हमारी बिजली हमारा हक। आज मैं सुबह से यहाँ कश्मीर में हूँ और जम्मू में भी हमारे साथी हैं, बिजली की हालत आप सबके सामने है। और अगर हम लोगों ने रोका नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अमेंडमेंट ला रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसानों को जो भारी चोट लगने वाली थी वो रुका। हम आपको वादा करते हैं कि जो पहला हक है, फिर से हक की बात मैं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर बिजली के मामले में एक ऐसा राज्य है, मैं तो राज्य ही कहूंगा इसको क्योंकि हम इसको राज्य मानते हैं और राज्य बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें चिराग तले अंधेरा है। जितनी बिजली यहां बनती है उस पर पहला हक जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, जायज बात है, लाजिम बात है। इसलिए हम ये वादा कर रहे हैं कि हमारी बिजली हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। जो भूमिहीन किसान हैं उनको 99 साल की लीज पे जमीन दी जाएगी और 2500 करोड़ का फंड जिला स्तर पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा ताकि 100% इरिगेशन जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल सके। महिला सम्मान, आपको कहा कि जो हमारी रियासत हमारा हक, जो स्टेटहुड छीन ली गई, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों को उनके हुकूक, उनके हक मिले। सर, मेरा क्वेश्चन, माय नेम इज अबराज मुथु, आई एम फ्रॉम क्यूएनएस। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू आर एन अलायंस पार्टनर विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज इट्स ओन मैनिफेस्टो, तो अगर हुकूमत बनती है तो वुड यू बी एबल टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन बोथ द मैनिफेस्टोस, कि आप अपना ही मैनिफेस्टो जो है? अबराज जी, वी एज अ पार्टी इन दिस कंट्री आर pioneers in terms of running successful alliance governments. We have done this in the past in various states and also in the center. There is always a framework which governs the code of conduct for all allies. That framework is a common minimum program, which you shall see once the elections are over and the results are out. There will be a common minimum program in the framework of which we will all function. Sir, Mohit Verma, PR News. Sir, my question is that Jammu Kashmir mein OBC ke log continuously ek jadd-o-jahd kar rahe hain taki unke jo adhikar hain wo unko wapas mil sake. Agar aap satta mein aate hain to aap unke liye OBC ke liye kya karenge? Humne specially isme likha hai ki संविधान में OBCs के लिए जो प्रावधान हैं उनको
इन लेटर एंड स्पिरिट सिंसियरिटी के साथ लागू किया जाएगा, ओबीसी का हक उनको दिलवाया जाएगा। कांग्रेस ने आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय पे अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन जमीन पे भी देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रही है। इंजीनियर रशीद की रिहाई, जमात इस्लामी के साथ उनका अलायंस, बीजेपी का कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पे रहा, तो कैसे देख रहे हैं आप, कितना खतरनाक है? आपने जो समीकरण बन रहे, आपने जो हमें ताना दिया कि आखिरी दिन पहले चरण के, देर आयत दुरुस्त आयत, जैसा कि कर्रा साहब ने फरमाया, सबसे बात करके उसके बाद ये निकला है। ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम ने लिखा है, इसलिए देर लगी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और आपने जो मुद्दा उठाया जम्मू कश्मीर का कि आवाम पिछले 10 साल से जो हुआ वो वाकिफ़ है, और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में हुआ उससे भी वाकिफ़ है। जम्मू कश्मीर का एक एक वोटर, एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग, एक एक पत्रकार, एक एक व्यापारी सब जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को अपने हक मिलेंगे तो वो तभी मिल सकेंगे जब जो पार्टियां आपके सामने हैं, हम हमारे अलाइज इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तभी हक मिल सकेंगे। बाकी किसी को वोट दिया तो समझ लीजिए वो बीजेपी को ही मदद मिल रही है, और जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को मदद नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं। पवन जी, आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, कांग्रेस इज साइलेंट व्हाइल इट्स अ मेन पोल प्लैंक ऑफ योर अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस। व्हाई इज कांग्रेस साइलेंट? एज अ नेशनल पार्टी वी हैव आवर ओन मैनिफेस्टो, वी हैव गिवन यू आवर कमिटमेंट्स, वी विल कम अप विथ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एट द राइट टाइम। After the results, we will come up with a common minimum program. On various issues, our stands have always been very clear right from day one. What is the stand on Article 370? I will send our CWC resolution to you shortly. So, sir, there's a question from AR News India. It's regarding natural resources. Jammu Kashmiri are having their own natural resources, and some of the power is going to the other states. साहब, द फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज ऑफ जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। जहां रेत तक बाहर के लोग आकर ले जा रहे हो, आप सोचिए वहां क्या हाल। द सैंड विच बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर फ्रॉम एजिस इज बीइंग माइंड बाय आउटसाइडर्स। These are the rights of people of Jammu Kashmir, and they shall be restored. Sir, प्रतिदिन संपर्क करेंगे दिल्ली में। सर, हाल ही में मेरा इंजीनियर रशीद जी से बात हो रहा था, उन्होंने कांग्रेस के लिए एक ऑफर दिया है कि अगर राहुल जी ये ऐलान करते हैं कि जब भी सेंटर में कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा वो 370 को वापस करेंगे। देखिए साहब, उन्होंने हर सीट पे आपको सपोर्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर की आवाम से सपोर्ट लेने आए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम का सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमारे गठबंधन को मिल रहा है। हम डिरेल नहीं होंगे किसी की बात से, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। हम हर वर्ग के हक की बात करने आए हैं, सबका हक मिलेगा, हम उस हक के लिए लड़ेंगे और उसको दिलवाएंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया।